जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी के मामले में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कल राजभवन में राजपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद एसएमएस अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार सौंपा है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी राजभवन पहुंचे और उन्होंने मामले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल को मामले से जुड़े तथ्यों और उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में करोड़ों के घोटाले की आशंका है। मुख्यमंत्री से पेपर लीक की तरह ही इसकी भी जांच स्पेशल टीम से करवाने का आग्रह किया जाएगा। गंभीर मामला है तो कमिश्नर साहब जो है वो मंडे तक हमें एक डिटेल रिपोर्ट देंगे और प्राइमा फेसी जो हमने जो हमारी स्टडीज की थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले थे और आप लोगों से पहले भी मैंने कई लोगों से चर्चा करी थी, उसमें बहुत गंभीर आरोप पाए गए और हम पूरा हमारा रिप्रेजेंटेशन लेकर हम सीएम साहब के पास गए। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जैसे पेपर लीक वाले मामले में उन्होंने सीएम बनते ही 7 दिन के अंदर जो निर्देश दिए थे वही मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए और बोला कि इसका जल्दी से जल्दी हमें जो है इसको निपटाना है। दोषी कौन है, कमिटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार जांकां का जुड़े हुए हैं वहाँ हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ना है। 4 अरेस्ट 5 अरेस्ट तो ऑलरेडी तुरंत हो गए थे मालूम पड़ते ही। ये जो जितने भी तथ्य हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने माननीय राज्यपाल जी को हमने प्रस्तुत किए। गौरव सिंह जो अरेस्ट हुए हैं जो हमारे एसएमएस के अंदर, ये क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं था, एक खाली मीटिंग्स जो हैं पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर एक मीटिंग की तिथि बताते थे लेकिन कितने एनओसी दिए, क्या कार्रवाई दी हुई है उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है।